दोस्तों राणा टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो हासिल करते रहें। दोस्तों आज हम आपको ऐसी जगह लेकर जा रहे हैं जहां आप हैरान तो ज़रूर होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको अंडरग्राउंड सिटी लेकर जा रहे हैं, दुनिया को मैवे हैरत करने वाले जेर ज़मीन शहर कैपाकोडिया अंडरग्राउंड सिटी, जो कि तुर्की में आबाद है। इसको आबाद करने वाले अक्सरियत यहूदी और ईसाई मुबल्लिगीन थे। मुख्तलिफ तारीखी रवायात के मुताबिक तकरीबन 13 सदी कबल शाह रूम के जुल्म सितम से घबरा कर पत्थरों की इस वादी में आए और सर छुपाने के लिए इब्तदा में गारों का सहारा लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों और ज़मीन को सीना चीरते हुए जेर ज़मीन एक ऐसा शहर आबाद किया जिसके सामने अहराम मिस्र जैसे अजाबात आलम भी शर्मिंदा दिखाई देते हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक कैपाडोकिया के ये शहर 11 मंजिल तक ज़मीन में आबाद हैं और जेर ज़मीन शहर के बासियों की तादाद 10 से 20 हज़ार इंसानों पर मुश्तमिल थी। अकल इंसानी को हैरत के समंदर में धकेलने वाला ये शहर ना सिर्फ 11 मंजिल तक ज़मीन के अंदर आबाद है बल्कि इसकी खुदाई इतनी पेचीदा और मुकम्मल है कि इसकी हर मंजिल अपनी खूबसूरती की गवाही देती नज़र आती है। यानी एक मंजिल अगर रिहायशी मकासद के लिए मुख्तस की गई है तो दीगर मंजिल भी शिफाखाना, इबादतगाह, खुराक के ज़खायर, मवेशियों वगैरह के लिए मखसूस की हुई नज़र आती है। इस अजूबे रोज़गार को देखते हुए आज अकल इंसानी में उभरने वाले ये सवालात यानी ज़मीन की तहों में सूरज, हवा, पानी, रोशनी, बिलखसूस धूप की ज़रूरियात किस तरह पूरी की गई हैं का अभी तक कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं पता चला। आज के इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद इससे कबल भी बेफिक्री इंसानी अपने अरूज को छू चुकी है। मजीद हैरत की बात यह है कि दुनिया में कल 36 ऐसे और शहर की निशानदेही की जा चुकी है जो ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में ना सिर्फ आबाद थे बल्कि उनके बाहमी रबतों का सुराग भी मिलता है, जो तुर्की के अलावा बरतानिया, चाइना, अमेरिका, पोलैंड, स्पेन, कनाडा में भी पाए जाते हैं। ये थी दास्तान दोस्तों अंडरग्राउंड सिटी जो कि तुर्की में वाकिया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।